मूंगफली की लगातार अब तो आवक अंतिम दौर में है, तो सबसे पहले तो आज जो मूंगफली है आज की क्या भाव रहे हैं? मूंगफली अभी जो मंडी में आ रही है ये जो किसानों के पास में, अब जो पीछे जो मंदी आई थी उस कारण किसानों ने मूंगफली रोक ली थी, वो मूंगफली आ रही है अभी मंडी में। अभी मूंगफली हमारे यहाँ ऑक्शन के अंदर बिक रही है नीचे के अंदर 4500 रुपए, ऊपर में 6000 रुपए। अभी इस सीजन में अगर बात करें एक मोटा मोटी तो अब तक कितनी मूंगफली आ चुकी है? देखो ये तो आंकड़ा सरकारी विभाग में मिलेगा अपने को पूरा, मगर हमारे कैलकुलेशन के अनुसार 80 लाख से करोड़ बोरी मंडी में आ चुकी है। 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास मंडी में आ चुकी है। इस साल सीजन कैसा रहा है मूंगफली का? बढ़िया रहा था, शुरुआत में भाव अच्छे मिले, क्रॉप जरूर पहले ट्यूबवेल बेल्ट में कमजोर थी, मगर नहरी बेल्ट में फसल अच्छी थी, मगर उसमें थोड़ा भाव कम रहा था, अब वापस भाव बढ़ना स्टार्ट हुआ है। मूंगफली का जो दाना है वो किस प्रकार से है? नहीं, दाने की क्वालिटी नहरी में इस बार बहुत बढ़िया आई थी। अगर हम बीकानेर के जो मूंगफली की बात करें और दूसरे स्थानों से कंपेयर करें तो अपनी अपनी बीकानेर की मूंगफली कहाँ तक बैठती है? अपनी मूंगफली की खासियत सबसे बड़ी है कि अपनी मूंगफली की रेजिडेंस पावर सबसे बढ़िया है। गुजरात की जो मूंगफली है उसकी रेजिडेंस पावर कमजोर, उसमें कीड़ा जल्दी लगता है। एक्सपोर्ट में भी अपना माल सबसे पहले प्रेफर करते हैं, इसलिए यहाँ से मूंगफली की डिमांड बाहर ज्यादा रहती है। तो अब आने वाले जो सीजन मूंगफली का किस प्रकार का रहेगा? अभी तो देखो सोइंग का पीरियड स्टार्ट होगा, सोइंग के बाद में पता चलेगा कितनी सोइंग होती है, उसके ऊपर निर्भर रहेगा कि आने वाली क्रॉप कैसी रहेगी। जो ट्यूबवेल के जो मूंगफली वाले जो किसान है, हाँ? इस साल उनका क्या रहा है, कुछ फायदा रहा है? देखो ट्यूबवेल बेल्ट में क्रॉप कमजोर जरूर थी, मगर किसान के पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने यहाँ पर। नरमा पिछली बार नरमे के अंदर एक कीड़े का प्रकोप रहा था जिसके कारण फसल खराब हो गई थी, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि इस बार भी मूंगफली का रकबा बढ़ेगा।